गीता दीदी, आपको भी लगता होगा कि हम कितने सवाल करते हैं, पर क्या इस शहर में हमारे जैसे और सेल्फ हेल्प ग्रुप है और हम उन्हें कैसे मिल सकते हैं? हाँ, भावना तुम्हें उस नई दुनिया में ले जाएगी। नई दुनिया? वो क्या है? आज की शाम बहुत सुंदर है। ये ढलता सूरज आज सब कुछ अच्छा लग रहा है। 15 साल बाद यहाँ बैठे हैं। आप हर रोज शाम को घर पर होते ही नहीं हो। अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, मैंने छोड़ दी। क्या? दारू। उस रात की बात मेरी आंखों के सामने से हटती नहीं है। कौन सी बात? वही लालजी गुल को घर से बाहर फेंक रहा था। मुझे डर है कि वो कहीं तुम्हें और चीला को भी घर से बाहर ना फेंक दे। अरे उसकी क्या मजाल, अब तो एक ही सपना है। मैं बहुत मेहनत करूंगा, शीला को हम आगे तक पढ़ाएंगे। हाँ, हमारे प्रगतिशील सेल्फ हेल्प ग्रुप से उधार लेके मैं उसे पढ़ाऊंगी। पर शीला को पढ़ाने में बहुत खर्च आएगा। भावना कह रही थी कि वो हमें अपनी नई दुनिया में ले जाएंगे। भावना बता तो सही, वो नई दुनिया कहाँ है? आप सबकी नई दुनिया है एरिया लेवल फेडरेशन। क्या? समझाती हूँ, रमीला नहीं आई आज भी, उसके कॉलेज की परीक्षा चल रही है ना। ठीक है, चलो चलते हैं आपकी नई दुनिया में। आज हमारी सीआरपी भावना और कुछ नए प्रगतिशील एसएनजी ग्रुप की बहनें हमें मिलने आ रही है। क्या ये बहनें हमारे एरिया लेवल फेडरेशन में जुड़ना चाहती है? के मन में जरूर सवाल होंगे। देखो वो आ गए। क्या यही वो नई दुनिया है? हाँ, ये है एरिया लेवल फेडरेशन। लेकिन हमें इनसे क्या लेना देना? सब्जी ना, जरा इन्हें समझाओ कि एरिया लेवल फेडरेशन होता क्या है। ALF एरिया लेवल फेडरेशन 10-20 एसएचजी ग्रुप का संगठन है, जिसका चैरिटी कमिश्नर में रजिस्ट्रेशन भी होता है। और इसमें जुड़े ग्रुप की फीस एरिया लेवल फेडरेशन के अकाउंट में जमा होने के बाद और चैरिटी कमिश्नर में ALF का रजिस्ट्रेशन होने के 6 महीने बाद ALF को 50,000 का रिवॉल्विंग फंड भी मिलता है। हम इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं? आपका एसएचजी इसमें शामिल हो सकता है। आप आपके ग्रुप के 2 प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं, जो हमारी फेडरेशन की मीटिंग में हाजिर रहेंगे। ग्रुप को ALF में रजिस्ट्रेशन करने के लिए 100 रुपया फीस भी भरनी पड़ती है और हर सदस्य को साल में एक बार 50 रुपया सदस्य फी भी भरनी पड़ती है। अरे इतने पैसे भरने पड़ेंगे, इससे हमें फायदा क्या होगा? ALF में जुड़ने से आपके ग्रुप की इनकम में वृद्धि होगी। इतना ही नहीं, आपको हमसे और हमको आपसे फायदा भी मिलेगा। पहेलियां मत बुझाओ। यह पहली नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको कोई नया व्यवसाय शुरू करना है तो एरिया लेवल फेडरेशन से आपको ट्रेनिंग भी मिलती है और लोन भी। अच्छा, और यही नहीं, फेडरेशन आपके द्वारा बनाए गए माल सामान की बिक्री में भी मदद कर सकते हैं। आहा, ग्रुप में जुड़ने से उनका माल किफायती दाम से खरीद भी सकते हैं और आपका माल बेच भी सकते हो। ALF अपनी उप कमेटियां भी गठित करती है, जैसे कि लोन कमेटी, स्वच्छता कमेटी, शिक्षण कमेटी वगैरह। जो उप कमेटी UALP के समक्ष अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। वाह, हमें कौन कौन से व्यवसाय में ट्रेनिंग मिलेगी? सिलाई, बुनाई, माटीकाम और पब्लिक टॉयलेट की देखरेख भी हमारी बहनें करती हैं। हमारे यहाँ पेड पार्किंग में बहनें काम करती है, पूरा पार्किंग संभालती है, गाड़ियाँ आती है उसको पार्क कराती है, उसका फीस भी लेती है और उसका पूरा हिसाब भी रखती है। इसकी वजह से हमारी बहनें और फेडरेशन दोनों की इनकम में वृद्धि हुई है और बहनों को रोजगारी मिली है।
हमारे आश्रय गृह में बहने निराधार व्यक्ति, बच्चे, वृद्ध और महिलाओं का भी अच्छे से संभाल लेती है। उनके लिए उनको अच्छी सैलरी भी मिलती है। हमारे ग्रुप की बहनें सरकारी और कॉरपोरेशन ऑफिस में सफाई का काम करती हैं। इससे उनकी इनकम में भी बढ़ोतरी होती है और हमारे एलएप में भी इनकम की बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा सरकार की कई योजनाएं हैं जिससे हमें सीधा काम मिलता है। मतलब हमें डायरेक्ट काम मिलता है, कोई बिचौलिए के जरिए नहीं। ना ही हम कमीशन लेते हैं, ना ही हम कमीशन देते हैं। ग्रुप में जुड़कर हमें बचत का सही मायना मालूम पड़ा। हाँ, अब तो हम मैनेजमेंट करना सीख गए। पहले तो हम घर में बैठ के काम करते थे, अब तो हम SHG चलाते हैं और फेडरेशन के प्रमुख मंत्री बनकर हम 100 परिवार चलाते हैं। ALF से जुड़ने से हमारी पहचान बनी है, लोग हमें पहचानने लगे हैं। दूर से बोलते हैं कि देखो ये फेडरेशन की प्रमुख शारदा बहन जा रही है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, अगर हमारी बहनों को अस्पताल में या पुलिस स्टेशन में जरूरत पड़ती है तो हम दौड़ के जाते हैं। और अगर हमसे कोई पूछता है तो हम बोलते हैं हम ALF के हैं, हम NULM के हैं और हम 1 से 10 बने हैं और 10 से 100। हम भी इस कारवा में जुड़ेंगे, कल 100 से 200 हो जाएंगे। हाँ। एरिया लेवल फेडरेशन शहरी विस्तार के 10 से 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप का संगठन है। प्रत्येक ALF अपनी सदस्याओं के लिए नियम और फीस तय करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप को ALF में जुड़ने से कई लाभ मिलते हैं, जैसे कि पारस्परिक सहाय, आर्थिक वृद्धि एवं आजीविका के लिए ट्रेनिंग और व्यवसाय में बढ़ोतरी। एक साथ जुड़ने से और ULB के साथ सीधा संपर्क होने से ALF अपने विस्तार की समस्याओं का समाधान ला सकता है। जैसे कि ALF की सैनिटेशन सब कमेटी होती है जो अपने क्षेत्रों की सैनिटेशन समस्याओं को नगर पालिका के सामने ले जाने में और उन्हें सुलझाने में मुख्य भूमिका निभा सकती है। अब सब समझ आ गया। भावना, ये तो सचमुच में हमारी नई दुनिया है। हाँ। अच्छा है, हम ALF से जुड़ जाएंगे। हाँ। भावना, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1 साल हो गया है, पर अब हमारी आर्थिक स्थिति क्या है,